इंडस्ट्री से राजनीति तक का सफर तय करने वाले सनी देवल अब लगातार ही जिस तरीके से गुरदासपुर की सीट पर अपनी जीत कराना चाहते हैं तो वहीं इसी बीच इस तमाम तरह की खबरें सनी देवल को लेकर आ ही रही हैं नमस्कार मैं हूं अजय यादव आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज अब बड़ी खबर यह है कि क्या ईशा देवल जो हैं, वो सनी देवल के लिए प्रचार करेंगी जी हाँ बिल्कुल करेंगी इसके पीछे की एक बड़ी वजह हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए कि क्यों ईशा देवल कर सकती हैं सनी देवल का प्रचार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का दामन थामने वाले सनी देओल से जुड़ी आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं सनी देवल से जुड़ी यही कि भाई अब सनी देवल जो है गुरदासपुर के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और तो और गुरदासपुर की जो सीट है वो सीट काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण भी है तो वही भाजपा को जीत दिलाने में पूरी तरीके से जोर शोर से जुटे हुए हैं सनी देवल तभी तो आप आए दिन देख रहे होंगे सनी देवल के मेगा रोड शो सनी देवल जिस तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं गुरदासपुर की सीट से खुद को जीत दिलाने की तो वही उससे ये बात तो साफ है कि भाई अब लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं सनी देवल और राजनीति में आकर अच्छा काम करना चाहते हैं जैसा कि उनकी नीति बताई जा रही है राजनीति में आने की अब एक और बड़ी वजह ये सामने आती है कि भाई सनी देवल की जो प्रोफेशनल लाइफ रही है वो अब कहीं ना कहीं सनी देवल जो है जो राजनीति में शामिल हुए हैं तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी बेहद ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है जिस तरीके से सनी देवल को पूरे परिवार का लगभग साथ मिल रहा है जहां पापा धर्मेंद्र उनके साथ हैं उनके भाई बॉबी देवल उनके साथ हैं तो वहीं भाई अब खबरें बन रही हैं कि क्या मालिनी और उनकी बेटियां जो कि सनी देवल की स्टेप मदर है मालिनी और सनी देउल की स्टेप सिस्टर्स हैं दोनों ईशा देवल और अहाना देवल अब बड़ी खबर यह है कि क्या उनका सपोर्ट सनी देवल को मिलेगा अब आज के इस खास रिपोर्ट में हम सबसे पहले आपसे ईशा देवल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट भी हैं। दरअसल ईशा देवल जो हैं, वो भी काफी ज्यादा ही करीब हैं अपनी माँ हेमा मालिनी के अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो चुनाव हुए थे मुंबई में उस चुनाव में हेमा मालिनी के साथ ईशा देवल भी दिखाई दी थी तो वहीं आप बड़ी खबर ये है कि भाई ईशा देवल क्या प्रचार करेंगी सनी देवल के लिए तो इस खबर से भी हम पर्दा उठा सकते हैं बिल्कुल कर सकती हैं ईशा देवल सनी देवल के लिए प्रचार अब इस बात को आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात का सबूत क्या है तो भाई सबूत है ईशा देवल का इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप ईशा देवल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे तो आपको सनी देवल के साथ ईशा देवल की कोई तस्वीर मिले ना मिले एक तस्वीर पर आप जरूर गौर कीजिएगा और वो तस्वीर है ईशा देवल के भाई सनी देवल के बेटे करण देवल की दरअसल करण देवल की जब फिल्म आई थी पल पल दिल के पास जिसको लेकर प्रमोशन चल रहा था तो वही प्रमोशन में ईशा देवल ने भी अपना योगदान दिया और ईशा देवल ने यहां पर इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए जमकर प्रमोशन किया करण देवल की फिल्म का और बड़ी बात ये रही कि सिर्फ करण देवल का ही नहीं बल्कि उन्होंने नाम मेंशन किया सनी देवल का भी जी हां अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सनी देवल को उन्होंने पोस्ट में टैग किया आने वाले दिनों में देखना में देखना वाकई होने वाला है जिस तरीके से सनी देवल अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो वही किस तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है ईशा देवल का क्योंकि भाई ईशा देवल भले ही खुलकर प्रचार ना कर पाए सनी देवल का लेकिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए वो कोई ना कोई पोस्ट जरूर शेयर कर सकती है जिस तरीके से करण देवल के लिए उन्होंने पोस्ट शेयर किया था अब देखते हैं कि आखिरकार कैसे सनी देवल के प्रचार में ईशा देवल उतरती हैं और वहीं हेमा मालिनी भी बीते दोनों ये कह चुकी हैं कि भाई वो काफी ज्यादा खुश हैं सनी देवल के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर आपने जाना कि किस तरीके से ईशा देवल भी जल्द प्रचार करेंगी सनी देवल के लिए से से जुड़ी भी काफी दिनों खबरें आ रही थी कि भाई हेमा मालिनी जो है प्रचार कर सकती हैं सनी देवल के लिए लेकिन अब ईशा देवल जो हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है हालांकि वो प्रचार जो है हो सकता है सोशल मीडिया साइट के जरिए ही ईशा देवल कर पाए खैर आज के इस प्रोग्राम में इतना ही है ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।